दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर जिला अधिकारी ने जागरूकता दिखाते हुए सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने मरीजों से बातचीत कर जायजा लेते हुए डॉक्टरों को अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करने और चिकित्सा को बेहतर बनाने को लेकर कड़ा आदेश देते हुए सिविल सर्जन को फटकार लगाई। सदर अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने को लेकर जिला अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने अस्पताल के वार्डों का दौरा कर निरीक्षण किया और वार्ड में भर्ती मरीजों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की। डॉक्टरों को अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने और चिकित्सा कार्य को बेहतर बनाने को लेकर कड़ा आदेश देते हुए सिविल सर्जन को भी फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी के पास बार बार शिकायत मिलने के बाद आखिरकार सदर अस्पताल में जिला अधिकारी पहुंच गए। सुबह से ही देखा गया कि हर वार्ड में जाकर निरीक्षण किए, कई वार्डों में गंदगी देखकर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। जो यहां सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं आम लोगों की सहायता के लिए, आम लोगों के इलाज के लिए, उसका किस तरह से अमल किया जा रहा है, इसलिए औचक निरीक्षण यहाँ पे किया गया। डॉक्टर्स की प्रेजेंस पाई गई, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक पाई गई। अभी तो कुछ सुधार की भी आवश्यकता है। जांच घर के संदर्भ में कंप्लेंट्स पाई गई हैं। पैथोलॉजी का जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में कुछ कंप्लेंट्स पाई गई हैं, जिसको कि अविलंब ठीक करने का निर्देश दिया जा रहा है। सर अधीक्षक जो सभी जगह डिस्प्ले करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है कि किस दिन कौन सी व्यवस्था पे कौन डॉक्टर कौन पदाधिकारी कहाँ बैठेंगे, और जो इलाज के जो दर हैं सरकार की तरफ से है, चाहे रसीद काटने का 2 रुपये हो या कौन सी दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं, या जन आरोग्य केंद्र जो है वहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, उसका भी लिस्ट और सूची बना के प्रदर्शित करने के लिए भी निर्देशित किया गया। सर अधीक्षक कार्यालय के जहाँ पास जो पूर्व CS ऑफिस था वहाँ सर 2 महीने से चापाकल खराब है, लेकिन सर उसको बनवाया नहीं गया। अच्छा, जिसके चलते सर मरीजों को इसका भी संज्ञान लिया गया है। एक चापाकल खराब है, बाकी उसके अलावा RO का पानी और पीने के टंकी का पानी है, लेकिन जो एक चापाकल खराब है उसको भी दुरुस्त करने के लिए भी अस्पताल प्रशासन को किया गया। सर सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था काफ़ी खराब पाई गई है। जो एजेंसी है उनको सर्च पत्र भी दिया जाएगा, और अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो उनको फिर ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी मुख्यालय को भेजा जाएगा। सर इमरजेंसी वार्ड में बराबर स्ट्रेचर की सुविधा मतलब कमी रहती है, जिसके कारण लोग आते हैं तो उनको स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं हो पाता है मरीजों को अंदर तक ले जाने के लिए, और ना ही वार्ड बॉय वहाँ मौजूद होते हैं। मरीजों के परिजन खुद उतार कर किसी भी अवस्था में उन्हें ले जाते हैं। नहीं देखिए, जो भी इस तरह की शिकायत आएगी और उसमें तत्कालीन जो भी उस टाइम पर ड्यूटी पर रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और यकीन दिलाया जाता है कि जो भी सरकार की तरफ से जो मानक निर्धारित किए गए हैं लोगों को उसके हिसाब से सुविधा। सर अल्ट्रासाउंड वाला क्लिनिकल में जो डिलीवरी महिलाएं हैं उनको होता है, अन्य जैसे पथरी या पेट में वो लोग नहीं करवा पाते, बाहर करवाते। इसके बारे में हम जांच कर लेंगे। थैंक यू।